बलरामपुर जिले के ग्राम रामचंद्रपुर से शासकीय भवन हड़पने का मामला प्रकाश में आया है, जहां रामचंद्रपुर ग्राम के स्वयं सहायता समूह हेतु कार्यशेड पर जबरन कब्जा करने का आरोप तथा कथित पत्रकार रोहित गुप्ता पर लगाया जा रहा है। मामले में खुलासे के लिए जब जीरो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की तो पता चला कि तथा कथित पत्रकार द्वारा 2 दिवस के कार्य हेतु भवन मांगा गया था, परंतु आज तक वापस नहीं सौंपा। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत सरपंच और स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। नारायण सिंह है, मैं रामचंद्रपुर पंचायत का सरपंच हूँ और 2-3 माह पहले मेरे से रोहित गुप्ता एक निवेदन किया, आग्रह किया कि मेरे को 2 दिन के लिए एक रूम दे दिया जाए और मैं बाकी अपना रूम व्यवस्था कर रहा हूँ। तो मैं सेक्रीकेशन महिला का जो एक सेक्रीकेशन रूम बना हुआ था, मैं 2 दिन के लिए इनको दिया और बाद में वो व्यक्ति पत्रकारी दोष दिखाकर यह रूम छोड़ नहीं रहा है और महिलाओं को बैठक करने के लिए काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ रहा है। और हम लोग 2 बार इनको समय भी दिए कि आप खाली कर लीजिए, रूम व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन यह व्यक्ति आज तक नहीं कर रहा है और बोल भी रहा है कि आज मैं करूँगा, खाली ही नहीं करूँगा, जिसको जो करना है कर ले। तो ये महिला आज जुटे हैं, इसका शिकायत मैं अभी इन्हीं को बताया हूँ कि 4 तारीख को मैं उनका डेट दिया था कि 4 तारीख के बाद 4 तारीख को आप खाली कर देंगे, क्योंकि उसी दिन महिलाओं का बैठक रहता है और मैं आज वही स्थान पर आया हूँ। शांति सिंह, महिला स्वयं सहायता समूह गुलाब समूह। पहला पर्सनल तो है कि 4 तारीख का हम लोग का ग्राम संगठन में बैठक होता है ब्याज मूलधन लेने के लिए, और दूसरा है कि हम लोग का ग्राम संगठन में कठिनाइयाँ पड़ रही है बैठने मीटिंग करने के लिए, इसको खाली नहीं कर रहे हैं। इसके खाली करवाने के चक्कर में सब ग्रह सदस्य मिले यहाँ पर आज रोहित कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत सरपंच के यहाँ। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, हम लोग चाहते हैं कि भाई फिलहाल खाली कर देते तो अच्छा होता, हम लोग सामान बाहर फेंके हुए हैं। रोहित गुप्ता बोलते हैं हम लोग कि भाई खाली कर दीजिए, हम लोग का सामान बाहर हुआ है, पानी में भीग के ख़राब हो रहा है। हम लोग का सरकारी तरफ से 1,20,000 का सामान बाहर है, तो वो बोलता है कि आप लोग का सामान का बड़ा है, बाहर ही रहने दीजिए, कोई कमियात लायक का नहीं है। और मैं इतना चाहता हूँ कि खाली नहीं करूँगा, जो भी करना है जहाँ तक करना है, जहाँ तक बनता है आप लोग करते रहिए। अब इतना तक भी बोलता है कि आप लोग बोलते बोलते मर भी जाइएगा तब भी हम लोग खाली नहीं करेंगे। हम लोग समूह की महिलाएं सभी रामचंद्रपुर ब्लॉक के, हम लोग यहाँ हम लोग को समूह हम लोग पहले ही 2016 से ही समूह चला रहे हैं, तो हम लोग समूह का मतलब जगह नहीं था, हम लोग इधर उधर बैठक करते थे, कहीं रूम में किसी का रूम में किराया पर हम लोग रहते थे। उसके बाद हम लोग समूह में सबसे पहले प्रस्ताव बनाए, उसके बाद हम लोग ग्राम संगठन में प्रस्ताव को डाले, तो जो हम लोग को यहाँ मान चले कि हम लोग को रूम के किराया हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग को एक ठो यहाँ ग्राम संगठन बनवा दीजिए, जैसे यहाँ यहाँ 10-20-25-30 समूह है, 30 समूह का एक ग्राम संगठन होता है, वही ग्राम संगठन हम लोग दूसरे के रूम में करते थे, रूम की किराया हम लोग वहाँ 500 रुपया देते थे। तो हम लोग मांग किए कि हम लोग को एक ग्राम संगठन दे दीजिए, सरकारी हम लोग को मिल जाएगा, तो हम लोग को देना किराया देना नहीं पड़ेगा, मान चलिए कि जो भी मूलधन ब्याज पड़ रहा है हम लोग को देना पड़ जा रहा था। उन्हीं भीड़ तो हम लोग मांग किए, हम लोग क्लस्टर तक फिर उसके बाद जनपद जिला तक मांग किए, तो हम लोग को ये समूह शेड मिला रामचंद्रपुर में, तो समूह शेड मिला, प्रस्ताव पास हुआ, तो फिर बन रहा था उस समय में, हम लोग सोचे कि भाई बन ही रहा है करके, तो बन उनके तैयार हुआ तो हम लोग सोचे कि जाएंगे ही। तो फिर इसके बीच पता नहीं, अब तो हम नहीं जान रहे हैं, एक रोहित नाम के हैं, तो वही रूम में मतलब अब इनके कहाँ से चाबी लिए कि इनसे लिए हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो आन के फिर यहाँ रहने लगे। फिर हम लोग वहाँ आज के हम लोग को अब तैयार हो ही गया, तो भाई हम लोग अब अपना रूम में चल जाएंगे, हम लोग किराया भाड़ा दे रहे हैं। तो फिर यहाँ फिर हम लोग सरपंच के पास बोले कि हम लोग को जो समूह सेट बना है वो लोग को हम लोग को खाली करवा दीजिए, हम लोग अपना सामान रखेंगे। कहे कि हम लोग बहुत दिन तक दूसरा के मतलब सदस्य के घर में रहे, रूम की किराया देते रहे, तो यहाँ जब तो दे दिए थे, पता नहीं अब कौन दिए थे, हम लोग नहीं जान रहे हैं, चाभी बोल रहे हैं कि हमको कोई दूसरे कोई दिया था। तो हम लोग इनको आन के उसी समय जब सामान रख के बोले कि रूम को खाली कर दीजिए, ये
चार महीना पहले का जी, चार महीना पहले ना, तो चार महीना पहले तो ये बोले कि